मध्य प्रदेश में सरकार बचाने के लिए कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक, 20 मंत्रियों से लिया इस्तीफा। नाराज विधायकों और मंत्रियों को बनाने की कोशिश, नए मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। मंत्रियों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ ने जारी किया संदेश, कहा सरकार अस्थिर करने वालों को सफल नहीं होने देंगे। एमपी कांग्रेस के नाराज 20 विधायक बेंगलुरु में मौजूद, 6 मंत्री भी शामिल, सिंधिया गुट के बताए जा रहे हैं सभी विधायक और मंत्री। बीजेपी के 2 पूर्व मंत्री इस्तीफे का फॉर्मेट लेकर पहुंचे बेंगलुरु, कांग्रेस के नाराज विधायकों से दिलवाएंगे इस्तीफा। राजनीतिक संकट पर कांग्रेस नेता दिग्विजय का बड़ा संदेश, कहा जो सही कांग्रेसी वो कांग्रेस में रहेगा। जो सही कांग्रेसी है वो कांग्रेस में रहेगा। कांग्रेस ने बुलाई पार्टी विधायकों की बैठक, शाम 5 बजे भोपाल में होगी बैठक। बीजेपी ने भोपाल में बुलाई अपने विधायकों की बैठक, आज शाम 7 बजे की बैठक में मौजूद रहने का फरमान। कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान के सचिन पायलट ने माना एमपी में कांग्रेसी नेताओं में मतभेद, कहा एमपी में संकट जल्द खत्म होगा। कमलनाथ सरकार से नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, कल शाम दिल्ली में रहे मौजूद, आज जाएंगे ग्वालियर। कांग्रेस नेता तरुण भान का बयान, सरकार को कोई खतरा नहीं, सिंधिया के नाराज होने की बात गलत। एमपी की स्थिति पर बीजेपी में बैठक और मंथन का दौर, अमित शाह के घर जेपी नड्डा, शिवराज सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक। एमपी बीजेपी इंचार्ज विनय सहस्त्रबुद्धे पहुंचे बेंगलुरु, कांग्रेस के बाकी विधायकों से मिले। बागी विधायक बेंगलुरु में कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगले कदम की दे सकते हैं जानकारी। देश में बढ़े कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 8 नए मरीज, 47 से पहुंची तादाद। कोरोना के नए मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, पंजाब, केरल, जम्मू और कर्नाटक से सामने आए। 47 कोरोना पीड़ितों में 3 इलाज के बाद ठीक हुए, 44 अभी भी ग्रसित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, सरकारी तंत्र युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ने की तैयारी। देश के 30 एयरपोर्ट पर हर आने जाने वाले यात्री, 8 लाख लोगों की स्क्रीनिंग। कोरोना की जांच के लिए देश भर में बनाए गए 46 लैब, हर जिले में दी जा रही है ट्रेनिंग। ईरान में कोरोना प्रभावित भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर ने भर ली उड़ान। कोरोना वायरस का असर से चिकन के दामों में भारी गिरावट, पोल्ट्री उद्योग तबाही के कगार पर। भारत समेत 13 देशों के लोगों को कतर ने अपने देश में आने पर लगाई रोक, कोरोना वायरस का सताया डर। कोरोना के खतरे से बचने के लिए दिल्ली में बसों को किया सैनिटाइज। यस बैंक घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, राणा कपूर और उनके पूरे परिवार के नाम। एफआईआर के अनुसार घोटाले का सारा खेल शुरू हुआ 2018 में, DHFL के कपिल वधावन ने राणा के साथ मिलकर की साजिश। कपिल वधावन का नाम एफआईआर में, 3700 करोड़ के बदले राणा को 600 करोड़ की रिश्वत दी। यस बैंक घपले के मामले में सीबीआई ने छापे मारे, मुंबई और दिल्ली में 7 जगह छापे। राणा के परिवार पर ईडी की खास नजर, कल रात फिर से राणा की पत्नी और बेटी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। प्रियंका गांधी से 2 करोड़ में खरीदी गई पेंटिंग को ईडी ने किया जब्त, पेंटिंग को लेकर दफ्तर आए ईडी कर्मचारी। प्रियंका की पुरानी चिट्ठी आई सामने, 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदने पर राणा को कहा था धन्यवाद। यस बैंक घोटाले में राजनीति तेज, कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछा नोटबंदी के 2 साल के अंदर कर्ज देने के 100% का बढ़ोतरी कैसे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया ग्राहकों को भरोसा, किसी का पैसा डूबने नहीं देंगे। अगर कोई देश में देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लूट कर लेकर जाएगा तो उसके खिलाफ पूर्व में भी हमने कार्रवाई की, अब भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। लखनऊ हिंसा के उपद्रवियों के पोस्टर नहीं हटाएगी यूपी सरकार, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करेगी अपील। सीएम के निर्देश के बाद हुआ फैसला, मुख्य सचिव, गृह पुलिस कमिश्नर और डीएम बैठक में शामिल। होली के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी योगी सरकार, कल हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने के दिए थे निर्देश। हाईकोर्ट ने कहा पोस्टर लगाना निष्ठा के अधिकार का उल्लंघन, सूना पार्षद सरकार को हलफनामा दायर करने का भी आदेश। मेरठ में उपद्रव हिंसा फैलाने वाले 51 लोगों से 28 लाख रुपए की वसूली की तैयारी, प्रशासन ने जारी किया नोटिस। दिल्ली हिंसा और शाहीनबाग में प्रदर्शन को लेकर कसा शिकंजा, दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने पीएफआई कार्यकर्ता दानिश अली को गिरफ्तार किया। दानिश पर दिल्ली हिंसा में पैसे और लोग मुहैया कराने का आरोप, पीएफआई में काउंटर इंटेलिजेंस का हेड था दानिश।
दानिश को पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश, 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली हिंसा मामले में ताहिर हुसैन के भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शाह आलम पर हिंसा में शामिल होने का आरोप। हिंसा के समय शाह आलम पर ताहिर की छत पर होने का आरोप, ताहिर की छत पर से फेंके गए थे पत्थर और पेट्रोल बम। निर्भया के दोषी विनय की दिल्ली के LG से गुहार, फांसी की सजा उम्र कैद में बदलने की अर्जी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन, 20 मार्च को चारों को फांसी दी जानी तय है। बिहार में खुद को सीएम उम्मीदवार बताने वाली पुष्पम प्रिया पर उनके चाचा JDU नेता अजय चौधरी का निशाना, कहा विज्ञापन देना मानसिक दिवालियापन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मार गिराए, मारे गए आतंकवादियों में 1 पाकिस्तानी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए CBSE ने जारी किया नया परीक्षा शेड्यूल, हिंसा की वजह से चल गई थी यहां परीक्षा। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है होली, PM से लेकर राष्ट्रपति तक ने समारोह से दूर रहने की बात कही। मथुरा में फूलों से खेली जा रही है होली, भक्ति गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु। वृंदावन के रंगीली और रसीली गली में उमड़े श्रद्धालु, एक दूसरे पर रंग गुलाल बरसाए। अयोध्या के विवाद के निपटारे के बाद पहली होली, पुजारी सत्येंद्र दास और इकबाल अंसारी ने होली खेलकर भाईचारे का दिया संदेश। पतंजलि योगपीठ में स्वामी रामदेव ने मनाई होली, आश्रम में मौजूद लोगों के साथ फूलों की होली खेली। होली पर सुबह बंद रहेगी मेट्रो, दोपहर 2:30 बजे से दिल्ली में शुरू होगी मेट्रो। DTC की बसें भी दिल्ली में दोपहर 2 बजे तक नहीं चलेंगी, फीडर सेवा भी बंद रहेगी। होली पर शहर शहर रोलतंगियों पर नजर रखेगी पुलिस, दिल्ली से लेकर मुंबई तक संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर। कोरोना के डर से इस बार होली रह सकती है फीकी, होली समारोह से दूर रहेंगे नेता। दिल्ली में कोरोना के डर के बीच जमकर होली की मस्ती, जगह जगह होली मिलन कार्यक्रम में थिरके लोग। उज्जैन में महाकाल के आंगन में जलाई गई देश की पहली होलिका, बाबा के दरबार में उड़े रंग गुलाल। धर्मनगरी काशी में होलिका दहन के दौरान जलाया गया कोरोना राक्षस, लोगों ने वायरस के डर को जलाकर मारा। गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में होलिका दहन का कार्यक्रम, शांति से होली खेलने की अपील। राजसमंद में श्रीनाथ जी के दरबार में जली विशालकाय होली, झांकी के बाद आरती और विधिवत पूजा पाठ के साथ हुआ दहन। मुंबई में होलिका दहन, गानों की थाप पर थिरके लोग। जयपुर में मुख्यमंत्री के घर पर होलिका पूजन, लोक कलाकारों ने बांधा समा। बीकानेर में डोलची मार होली की धूम, लोगों ने जमकर की मस्ती। गुवाहाटी में होलिका दहन का विधिवत कार्यक्रम, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सहारनपुर में लगभग 100 किलो फूलों से खेली गई होली, पारंपरिक डांस ने जीता लोगों का दिल। हिमाचल के लाहौल स्पीति में PRO टीम के सदस्यों का रेस्क्यू, सड़क से बर्फ साफ करने के दौरान फंस गए थे सभी। लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसा, सड़क पर टहल रहे व्यक्ति को तेज रफ्तार कार ने मार दी टक्कर। झांसी में बबीना टोल प्लाजा पर 2 पक्षों में हिंसक भिड़ंत, जमकर चले लाठी और डंडे। झांसी की ज्वेलरी की दुकान में महिला ने किया हादसा, CCTV में कैद। UP मुजफ्फरनगर में दंदौड़े बदमाशों ने दुकान पर धावा बोला, लाखों का सामान लूटकर फरार। सीतामढ़ी में बारात की गाड़ी में अचानक लगी आग, बाल बाल बचा दूल्हा। सागर में झोपड़ी में लगी आग, 2 मासूम बच्चों की मौत। नादिया में तालाब में नहाने गए 4 स्कूली बच्चे डूबे, गोताखोर बच्चों की तलाश में जुटे। दिल्ली के लाजपत नगर में अस्पताल की दीवार गिरी, 2 की मौत, कई घायल। नोएडा में पुलिस बदमाश में एनकाउंटर, गोली लगने से 2 बदमाश घायल। सीतामढ़ी में अपराध की योजना बनाते 3 अपराधी गिरफ्तार, 2 पिस्टल 1 दर्जन जिंदा कारतूस बरामद। कानपुर में नशेबाजी के चक्कर में 2 की हत्या, हिस्ट्री शीटर अपराधी ने पत्थर से पीट पीट कर मार डाला। महोबा में ग्राम प्रधान की मां की सरेआम कुल्हाड़ी से गला काट कर हत्या, हत्या के आरोपी ताऊ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुपौल में कॉपी मूल्यांकन न करने पर शिक्षकों पर जिला प्रशासन का एक्शन, 676 के खिलाफ FIR। खगड़िया में भी 447 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज, मांगों को लेकर कई दिन से हड़ताल पर थे सभी। UP के सहारनपुर में कर्ज में डूबे किसान की आत्महत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई, 2 बैंक मैनेजर समेत 5 के खिलाफ FIR। दिल्ली में पिछले 6 महीनों के न्यूनतम स्तर पर पेट्रोल के दाम, लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई। LPG सिलेंडर भरवाने के लिए सरकार देगी इंटरेस्ट फ्री लोन, घर बैठे 50 से 100 रुपए में भरवा लीजिए आप LPG गैस सिलेंडर।
2040 तक 46 लाख करोड़ रुपए का होगा रियल एस्टेट सेक्टर जीडीपी में, रियल एस्टेट का योगदान दोगुना। नोएडा के सभी मेट्रो स्टेशन पर फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीनें, एसी ग्रुप ने किया अथॉरिटी के साथ करार। होली पर जियो का तोहफा, 350 GB डेटा के साथ वैलिडिटी का प्लान लॉन्च। भारत पहुंची दक्षिण अफ्रीकी टीम, धर्मशाला में पहला वनडे मुकाबला होगा। शेफाली वर्मा ने आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान गवा दिया, तीसरे नंबर पर खिसकी। वर्ल्ड नंबर वन बॉक्सर अमित पंघल को ओलंपिक का टिकट, एशियाई क्वालिफायर के सेमीफाइनल में पहुंचे। मुंबई में महिला कार रैली का आयोजन, देश विदेश की 100 टीमों ने की शिरकत। कार रैली में सज धज कर आई प्रतिभागी, मुंबई पुलिस की टीम ने मारी बाजी। चिली की राजधानी सैंटियागो में महिलाओं के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई, राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी के बाद हिंसक झड़प। इटली के सान विटोरियो जेल में कोरोना के चलते रिश्तेदारों से मिलने पर रोक, कैदियों ने छत पर चढ़कर किया विरोध। कोरोना की चपेट में आए फ्रांस के संस्कृति मंत्री फ्रैंक प्राइस्टर, फिलहाल फ्रैंक की स्थिति स्थिर। कोरोना के समुद्र में रोका गया जहाज पहुंचा अमेरिका, ऑकलैंड पोर्ट पर उतरते यात्रियों में मनाई खुशी। ब्रिटेन के राजकुमार हैरी और पत्नी मेगन मार्कल को दिया गया शाही फेयरवेल, शाही परिवार से अलग होने के पहले आखिरी कार्यक्रम में शामिल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।